ભારત સામે આજે આખો દેશ લડી રહ્યો છે। આ સદીની સૌથી મોટી મહામારી કોરોના વાયરસની હજુ સુધી કોઈ દવા પણ શોધાઈ નથી, ત્યારે આ ખતરનાક વાયરસથી બચવાનો એકમાત્ર રસ્તો છે અને તે છે તમારામાં રહેલી રોગ પ્રતિકારક શક્તિ। ત્યારે આજે આપણે જાણીશું ઘરેલુ ચીજવસ્તુથી કેવી રીતે રોગ પ્રતિકારક શક્તિમાં વધારો કરી શકાય। वर्तमान समय में कोरोना महामारी सामे समग्र देश लड़ी रह्यो छे, त्यारे डीसा में एक महिलाए कोरोना सामे रक्षण मिली रहे अने लोकोमां रोग प्रतिकारक शक्तिनो घरेलू पद्धतिथी वधारो थाय ते माटेना खास सूचनो कर्या छे। रोजबरोजनी दिनचर्यामां आपणे एवी घणी बधी वस्तुओनो उपयोग करता होईए छीए के जे आपणी रोग प्रतिकारक शक्तिमां वधारो करे, परंतु घणीवार आपणने ज खबर नथी होती कि तेमांथी कई वस्तु आपणा माटे उपयोगी साबित थई शके तेम छे। जेम के दररोज तमे जे रसोई बनावो छो तेमां हळदर उमेरता हो छो, ते हळदर रसोईमां रंग लावा उपरांत शरीरनी रोग प्रतिकारक शक्तिमां पण वधारो करे छे। डीसामां कुकिंग एक्सपर्ट एक महिलाए कोरोना सामे घरगथ्थू वस्तुओमांथी केवी रीते रोग प्रतिकारक शक्तिमां वधारो करी शकाय ते अंगे केटलीक महत्वनी जाणकारीओ आपी छे। पायल अग्रवाल नामनी आ महिलानुं मानवुं छे कि कोरोनानी हजु सुधी कोई दवा शोधाई नथी, त्यारे लोकोए कोरोनाथी सुरक्षित रहेवा माटे खास त्रण वस्तुनो उपयोग करवो जोईए कि जेथी कोरोना सामे लोकोने रक्षण मळी शके। पायलना जणाव्या अनुसार गरम दूधमां हळदर उमेरीने पीवी, तुलसी अने गरम मसालाना उकाळा पीवा अने विटामिन सीथी भरपूर होय तेवा फळોનું વધુ ને વધુ સેવન કરવું, આ ત્રણ વસ્તુના વપરાશથી કોરોના સામે સરળતાથી રક્ષણ મેળવી શકાય છે। आप सब जानते होंगे कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है और उसकी दवाई अभी तक लॉन्च नहीं हुई है, तो इसका इलाज आप घर पे बैठे बैठे अपनी रसोई से निकाल सकते हैं। अब सवाल ये बनता है कैसे, देर आर मैनी थिंग्स जो आप अपनी रसोई में से निकाल कर अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, जैसे कि हल्दी का दूध। हल्दी का दूध को आप दूध को गर्म करके हल्दी डाल के और गर्मा गर्म उसे पी लीजिए, दिन में एक बार पीना कंपलसरी है। दूसरा काढ़ा, गुजराती में कह दो तो उकाला, जो गर्म पानी में आप तुलसी अदरक काली मिर्च और शहद डाल के उसको पी लीजिए गर्म करके, तो उससे भी आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। सिट्रिक फ्रूट्स मतलब नारंगी मौसम्बी नींबू अनार और ग्रेप्स, ये सब सारे सिट्रिक फ्रूट्स हैं, इनमें इम्यूनिटी बढ़ाने की बहुत क्षमता है। आप इन्हें लीजिए, फ्रूट्स में सैलेड बना के खाइए, उससे आपकी इम्यूनिटी पे बहुत असर पड़ेगा। ये सारी चीज़ें लेने से आप कोरोना से बच सकेंगे। इससे कोरोना ख़त्म नहीं होगा पर उससे लड़ने की आपकी क्षमता बढ़ जाएगी, तो आप ये सारी की सारी चीज़ें ट्राई करिए और इससे आपकी इम्यूनिटी ज़रूर बढ़ेगी।